For the past 4 years, the film Haraamkhor was delayed by the examining committee of the Central Board of Film Certification. And now, the film is an unstoppable success. The movie starring Nawazuddin Siddiqui and Shweta Tripathi, which is directed by debutant Shlok Sharma, Haraamkhor was a special film for everyone involved, and it's great to know how the press, audience and even exhibitors have liked the film and has grown stronger in the second weekend. To celebrate this, the team came together and addressed the media at a special event. The movie was wrapped up in a record time of 16 days and the budget of under a crore. Despite being earlier banned completely from release, the film was released last week across theatres in India and over the first weekend itself managed to cross the profitable margin. Looks like Nawazuddin Siddiqui's success ratio at the box office continues with this film. And here's wishing more success to the film of the indie genre. Let's check out what the cast and director and producer have to say on the success of the film. If you watch the film, there are very improvised things. There are many things that you don't get to see in the film. Because in films, there are very staged, fumble bhi nahi hota. Ek dialogue ke baad dusra dialogue bolta. Humne wo sare myth break karne ki koshish ki. कि अगर ये बोल रहा है उसके साथ मैं भी बोल रहा हूँ तो क्योंकि जो आम लाइफ में होता है फंबल भी करते हैं आम लाइफ में हम फंबल्स को कभी दिखाते नहीं हैं ओवरलैपिंग को कभी दिखाते नहीं हैं कि अरे ये तो लोग क्या कहेंगे लेकिन इससे डरना नहीं चाहिए तो हमने अननोइंगली मुझे लगता है कि इस पिक्चर में हमने बहुत सारी मिथ तोड़ी हैं भले ही बहुत छोटे प्लेटफॉर्म पर तोड़ी हूँ बट हमने एज एन एक्टर एज ए डायरेक्टर हम लोगों ने कोशिश की कि वो जो सारी चीज़ें हम लोग दिखाते हैं कि एक डायलॉग ख़त्म हुआ उसके बाद दूसरा बोलता है नहीं ज़रूरी नहीं है आप बोल रहे हैं उसके बीच में मैं भी बोल सकता हूँ ज़रूरी नहीं मैं आपकी तरफ ही देख के बोलूँ मैं इधर भी काम करते करते भी बोल सकता हूँ तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें तो मेरे लिए प्रोसेस ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट प्रोसेस थी और आई थिंक वही लर्निंग पॉइंट था वही प्रिपरेशन थी इसकी पहले तो मैं सबको मैंने अभी गुनीत को यही बोला कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि हम लोग हरामखोर की सक्सेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो पहले तो बिग 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 बहुत ही बड़ा थैंक यू क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते आप लोग का सपोर्ट नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं होता हम लोग यहाँ पर नहीं होते अभी मेरे लिए हरामखोर जैसे नवाज़ भाई ने कहा कि हर फिल्म बहुत स्पेशल होती है हरामखोर का बाहर आना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये श्लोक की डेब्यू है इस फिल्म से मैंने बहुत सीखा है बहुत ग्रोथ हुई है मेरी वर्किंग विद नवाजुद्दीन सिद्दीकी तो आई एम वेरी हैप्पी विद माई रिपोर्ट कार्ड सो फार हरामखोर रिलीज़ हुई ये सक्सेस है कि हरामखोर को जो रिव्यूज़ मिले ये सक्सेस है कि लोग इतना प्रोत्साहित कर रहे हैं और शोज़ बढ़ रहे हैं तो हर चीज़ का मैं हम लोग ओवरनाइट चीज़ें नहीं बदल सकते पहले ये फिल्में बनती भी नहीं थी आज 5-6 साल के बाद हम बहुत खुश हैं कि ये बन रही हैं आज मैं बहुत खुश हूँ कि ये रिलीज़ हो रही है और ऐसी बहुत सारी फिल्में जो रिलीज़ होनी चाहिए इसीलिए जो हम लोग इंटरनली बात करते हैं अगर आप देखें हरामखोर इसके बारे में हमने कहीं बात नहीं किया एक्सप्लोसिव फिल्म्स ने रिलीज़ किया है एक्सप्लोसिव फिल्म्स हमारी एक आइडेंटिटी हम बनाना चाहते हैं जिसमें हम लोग जेन्युइनली फिल्में रिलीज़ करना चाहते हैं जो ऐसे जो हम लोग बहुत खुशी से बोलना चाहते हैं कि हम लोग 250 स्क्रीन में आए हैं हम लोग नहीं आना चाहते हैं 3000 स्क्रीन में और हम लोग वो कॉन्वर्सेशन ही नहीं करना चाहते ये बहुत बड़ी बात है कि हम 250 स्क्रीन में आ रहे हैं और हमारे शो बढ़ रहे हैं अगर आप सिनेपोलिस का एग्जाम्पल देखें जहाँ हम हैं अभी और हम यहाँ हैं इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल दूँगी फ्राइडे का अगर आप देखें बॉक्स ऑफ आप बुक माई शो का स्टार्ट देखें एक शो मिला था हमें जब हरामखोर रिलीज़ हुई थी सैटरडे को 2 शो संडे को 3 शो जब थर्सडे को पिक्चर थी तो 4 शो थे हमारे तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो माहौल है जो बाकी की फिल्में आई बड़ी फिल्में आई इंग्लिश फिल्में आई उसके साथ हरामखोर के शो बढ़े फुटफॉल बढ़े तो इसीलिए आज हम आप सबसे मिल रहे हैं और हम ये बताना चाहते हैं आपको कि वो एक बड़ी बात है और इस तरह की फिल्म को सपोर्ट मिलता है तो अच्छा लगता है क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ तक पहुँचेंगे सच बोलें तो इसके लिए कभी भी हमने ट्रेलर लॉन्च नहीं किया हमने सीधा इंटरनेट पर ऐसी ट्रेलर डाल दिया जिसके 7 मिलियन व्यू हुए और ना हमारा कभी आप अभी भी थिएटर के बाहर जाएंगे हमारा कोई पोस्टर नहीं लगा बाहर और ना अखबार खोलेंगे तो हम अखबार में नहीं आप अखबार में भी नहीं है टीवी तो छोड़ ही दीजिए तो न्यूज़ मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया है इंटरनेट बहुत सपोर्ट कर रहा है लगातार रिव्यूज़ आ रहे हैं 2-3 लोग गालियां भी दे रहे हैं बट बैलेंस माने तो अच्छे 85-87% से पास हैं It truly represents that both the big ticket films and those who are true indie in its genre can do well simultaneously.